जिंदा दिल कौम आजादी का जश्न जिंदा दिली से मना रही है। कराची ता कश्मीर सब्ज हिलाली परचमों की बहार से दिल बाग बाग। 75वें जश्न आजादी पर विफाक में 31 और सूबाईदार हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। 75वां यौम आजादी, इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वुजरा समेत सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग नुमाया, मिली नगमों की गूंज। ऐसा नहीं कि हम ने तरक्की नहीं की, अलबत्ता यह हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि जिस तसलसल, तवज्जो और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियाँ हुई हैं। यही वो मिशन है जो आज हमारे सामने है और जिसे हमने पूरा करना है। पाकिस्तान को दुनिया की माशी कुव्वत बनाने का अहद किया है। हमें दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होने का कौमी हदफ मुकर्रर करना होगा। यही मुस्तकबिल की राह है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते। नेशनल डायलॉग इस वक्त अशद जरूरत। कौमी डायलॉग का नुक्ता आगाज मिसाक की मईशत से हो सकता है। जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी कुव्वत क्यों नहीं। किशकौल उठाकर समंदर में फेंक देंगे। शरपसंद कुव्वतों को बाहमी इत्तेहाद से कुचल देंगे। आज़ादी की हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। दुआ है मकबूजा कश्मीर फलस्तीन के मुसलमानों को जल्द आज़ादी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब। आज नज़रिया पाकिस्तान की बका और मिसाली फलाही रियासत के अज़्म का इआदा। ये दिन कायद आज़म की क़यादत में लातादाद कुर्बानियों की याद दिलाता है। सिक्योरिटी इदारों के जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत का यौम आज़ादी पर पैगाम। यौम आज़ादी हजूरी बाग में पंजाब हुकूमत की मरकजी तकरीब। वज़ीर आला परवेज इलाही की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। बलोचिस्तान असम्बली में भी परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़ंजो की शिरकत। मरियम नवाज ने 75वां यौम आज़ादी नौजवानों के नाम कर दिया, जिनके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अल्लाह पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। लीकी रहनुमा का ट्विटर पैगाम। 75वां यौम आज़ादी मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फराइज पर मामूर। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फौज के चाको चुबन दस्ते ने फराइज संभाल लिए। सबसे पहले सबसे तेज का सफर अब जदीदतर। जद्दत और मयार हमारा शार। नई मंजिल के जानी बड़ा कदम। दुनिया न्यूज एसटी टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। इक्तदार के ऐवानों से सियासत के तूफानों तक, खेल के मैदानों से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। कारोबारी अहवाल, मौसम का हाल, गली कूचों के मसाइल और जुर्मो इंसाफ की कहानी। सब कुछ दुनिया न्यूज़ की जबानी।
वो भी गैर जानिबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ और बर्क रफ्तारी के साथ। अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं लेकिन गुलामी नहीं, किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं। 30 साल हुक्मरानी करने वालों ने पैसा चोरी करके बाहर भेजा, मुखालफीन 26 बरस से मेरी किरदार कुशी में मसरूफ, कौम को झुकने नहीं दूंगा, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान का लाहौर में जलसे से खिताब। फितना खान के पास पिछले 26 साल से एक ही स्क्रिप्ट, जलसों में कौम को ये झूठ और मुतकब्बिराना गुफ्तगू, मजीद 2 माह सुनना पड़ेगी। इमरान खान के हाथों 4 साल मुआशी तबाही और बदहाली से कौम को निजात दिलाएंगे। राणा सनाउल्ला का रद्द अमल। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में रावल चौक में फ्लाई ओवर का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट के हवाले से शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर मूनसून शजरकारी मुहिम का भी आगाज। अमन दुश्मनों का फिर बुजदिलाना वार, दीर के इलाके बारवाल में धमाका, 2 फौजी जवान शहीद। सिपाही साजिद अली और अदनान का ताल्लुक आजाद कश्मीर से था। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, पाक फौज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR कोरोना की छठी लहर, मजीद 4 अफराद की जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 581 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमू शरह 2.97% रिकॉर्ड। इंग्लैंड में खुश्कसाली की वार्निंग पर आवाम का स्टोर्स पर रश, कई दुकानों में पानी की बोतलों की किल्लत पैदा हो गई। कुछ स्टोर में एक फर्द के लिए 5 से ज्यादा बोतलों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। हॉबर्ट हर्स मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। पहले सेमीफाइनल में पोलिश खिलाड़ी ने नॉर्वेजियन हरीफ कैस्पर रूट को शिकस्त दे दी। वतन से मोहब्बत का इजहार करें, जश्न आज़ादी के लम्हात यादगार बनाएं, वो भी दुनिया न्यूज़ HT के संग। आज़ादी के जश्न की तस्वीर हमें भेजें, हम दिखाएंगे दुनिया भर को। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।